दोस्तों, यदि आप भी विराट कोहली को T20 विश्व कप में शतक लगाते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अनुष्का शर्मा ने डाली खतरनाक यॉर्कर तो विराट कोहली की भी फटी रह गई आंखें। एक्टिंग छोड़ क्रिकेटर बनने के लिए तैयार हैं अनुष्का शर्मा, तो आखिर क्यों किया उन्होंने इतना बड़ा फैसला, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ उनकी गेंदबाजी का लाइव वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में कौन इस T20 विश्व कप में शतक लगा पाएगा? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर T20 वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हो चुकी है, जहां भारतीय खिलाड़ी विश्व विजेता बनने के लिए जमकर अभ्यास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा मैदान पर जमकर पसीना बहाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, वर्तमान में अनुष्का शर्मा का एक वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है और जिसमें भारतीय टीम की जर्सी पहने हुई गेंदबाजी करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म चक द एक्सप्रेस की शूटिंग कर रही हैं और अनुष्का शर्मा शूटिंग के लिए कोलकाता से लेकर मुंबई तक सभी जगह घूम रही हैं। और इस बीच अनुष्का शर्मा को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में देखा गया और जहां उन्होंने भारतीय टीम की जर्सी पहनी हुई थी और जमकर अभ्यास करने के कारण अनुष्का शर्मा पसीने से तरबतर होती हुई दिखाई दे रही थी और उनके इस लुक को फैंस बहुत अधिक पसंद कर रहे थे। दोस्तों, शूटिंग की कुछ तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें अनुष्का शर्मा अभ्यास कर रही हैं और दूसरी तरफ एक तस्वीर में अनुष्का शर्मा बातचीत करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि चक द एक्सप्रेस भारतीय महिला टीम की पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के जीवन पर बनी है और इस फिल्म के लिए झूलन गोस्वामी का रोल अनुष्का शर्मा कर रही हैं। अब वो शूटिंग के अंतिम चरण में हैं और आपको बता दें कि झूलन गोस्वामी ने पिछले महीने ही क्रिकेट से संन्यास लिया है। उनके जीवन पर बनी ये फिल्म जल्द ही भारतीय सिनेमा पर टेलीकास्ट होने वाली है। दोस्तों, इस मूवी के लिए अनुष्का शर्मा का चुना जाना बिल्कुल हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि उनका क्रिकेट से जुड़ाव बहुत ही गहरा है और भारतीय लेजेंडरी गेंदबाज का किरदार पर्दे पर सबसे बखूबी ढंग से उतार सकती हैं। ऐसे में फैंस इस मूवी के लिए बहुत उत्साहित हैं, जो बहुत जल्द हमें सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ कितने रन बना पाएंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।